कोटा में एक आईपीएस इन दिनों गलियों, बाजारों और सब्जी मंडी में घूमकर सिंगल यूज पॉलिथीन को बाय बाय करने का संदेश देकर कपड़ों के थैलों को बांट रहे हैं, ताकि आमजन में सिंगल यूज पॉलिथीन को इस्तेमाल नहीं करने की जागरूकता पैदा हो। इस सबके लिए आईपीएस का कारवा बढ़ता जा रहा है और न सिर्फ समाज के लोगों का साथ मिल रहा है, बल्कि आरएसी बटालियन के जवान पूरी शिद्दत से अभियान को साकार बनाने में जुटे हुए हैं। तंग गलियों, संकरे बाजारों की भीड़ के बीच आईपीएस राहुल कोटुकी पहुंच रहे हैं। राहुल कोटुकी ने ठानी है कि वह कोटा को पॉलीथीन मुक्त शहर बनाएंगे और विनाशकारी साबित होने वाली इस बड़ी समस्या से शहर को छुटकारा दिलाएंगे। राहुल कोटकी कोटा के आरएसी द्वितीय बटालियन में कमांडेंट हैं, जिनके साथ आरएसी के जवान भी इस मुहिम में जुटे हुए हैं। आरएसी के जवान अब तक भीड़ को खदेड़ते हुए नजर आते थे, लेकिन वही जवान अब कोटा के बाजारों में खरीदारी करने वाले लोगों और दुकानदारों को कपड़ों के थैले बांटते नजर आ रहे हैं। खासकर उन बाजारों को चुना जा रहा है जहां हजारों की तादाद में लोग खरीदारी करते हैं और पॉलीथीन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। कपड़ों के यह थैले भी खास हैं, क्योंकि इन्हें खुद आरएसी के जवानों ने अपने हाथों से तैयार किया है। आरएसी के हर जवान ने अपने घरों से पुरानी तीन तीन साड़ियां लाकर बटालियन में उन्हीं साड़ियों से थैले बनाए हैं। हजारों की तादाद में थैले तैयार होने के बाद अब उन्हें बाजारों में जाकर बांटा जा रहा है। ये साड़ी जो है ये साड़ियों से बनी हुई है, तो एक साड़ी में कम से कम 15 थैली बन जाती है आराम से। तो सभी जवानों ने अपने घर से ही या बाहर से 99% तो अपने घर से ही उन्होंने पुरानी जो साड़ियाँ है उसको यूज़ किया है, उसको हमने खुद ने सिलाया है, कोई बाहर से कहीं कुछ नहीं है। हमने सब कुछ अपने बटालियन में ही किया है, साड़ियों के प्रोक्योरमेंट से लेके साड़ियाँ बनाना और आप अभी जो वितरण की प्रक्रिया चल रही है वो सब हम जनता के और सबके सहयोग से, मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ सभी समाज के लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महिलाएं भी शहर के बीच बाजार वर्दीधारी जवानों को कपड़ों के थैले बांटते हुए देखकर पॉलीथीन के इस्तेमाल को बाय बाय करने और अपने अपने घरों में इस तरह के थैले बनाने के लिए प्रेरित हो रही हैं। आज के बाद हम पॉलीथीन यूज नहीं करेंगे, इस तरह का थैला ही यूज करेंगे कपड़े का बना करके। घर पे बना सकते हैं, बहुत ही इजी है, सिंपल सिलाई मारनी है और कपड़े भी अवेलेबल है घर पे। साथ ही दुकानदार भी अपनी दुकानों पर नो पॉलीथीन यूज का संदेश लगाकर इस अभियान में भागीदारी निभा रहे हैं। आईपीएस राहुल कोटकी और उनके महकमे के जवान कोटा शहर के बाजारों से लेकर सब्जी मंडी तक में घूमकर पॉलीथीन मुक्त शहर बनाने की इस मुहिम में जुटे हुए हैं। इस अभियान में व्यापार संघ, स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक लोग भी जुड़ रहे हैं, ताकि इस अभियान को शिक्षा नगरी में सफल बनाया जा सके और पॉलीथीन से होने वाले नुकसान से आमजन व पशुओं को राहत मिल सके।